बढ़िया गेंद हल्का सा मुंह खोला बल्ले का दिल्ली में डाउन की दिशा में और एक रन से नहीं रोक पाए। इस तरह अपना खाता खोला राजू भाई ने और टीम का स्कोर भी कभी खाता खोल गया एक रन से स्कोर बोर्ड। ओ बढ़िया शॉट इस बार मिड ऑफ की दिशा में खेला हुआ राजू द्वारा रन लेने से नहीं रोक पाए और टीम का स्कोर 3 रन स्कोर बोर्ड। बड़ा छक्का मार दिया विक्रम भाई द्वारा। अभी जैसी मुकाबला आगे चलेगा और कड़ा और रोमांच मुकाबला तेज चमकदार धूप खुश मात्रा में के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। ओ मिडिल स्टंप ऊपर खेल गए टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती हुई और बढ़िया विकेट का पतन किया वहां पे शुभम ने। लंबा ओवर जरूर चला था उनका अतिरिक्त आए थे वहां पे मगर एक बड़ा विकेट जो कहा जाएगा अपने आप में असर बीसीसी बना रहे कर पा रहे हैं। अभी भी इस ओवर में एक थ्री हिट जरूर है अब विक्रम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं देखना होगा विक्रम को। एक बार चले ये देखिए रन फुट पे आ गया और उसके बाद बड़ा प्रहार करने की काबिलियत है विक्रम भाई के पास सिंगल के साथ किसी सी बरात के लिए। रोहित द्वारा बढ़िया गेंदबाजी महंगे जरूर साबित हुए थे मगर विकेट लेने में नहीं चूके इस बीच धकेला किसी भी तरह गेंद को ऑफसाइड में कवर के बीच में खेला हुआ शॉट यार अपनी गेंदबाजी क्रम में छोटा सा उनका रन अप है 8-10 कदम का चंद्र प्रकाश सामने है फिलहाल। इस बार सकेला गेंद को सिंगल नहीं छोड़ रही है बड़ी खासियत होती है बेसिक रूल से बिल्कुल तैयारी करके आए कि सिंगल डबल जरूर लिया जाए वहां पर फिलहाल गेंदबाज जारी है योगेश है गेंदबाज। और इस बार किसी भी तरह ऑफसाइड में बड़ा शॉट खेला है देखना होगा कितने रन जो पाते पहला रन काफी तेज गए फिर तेज वहां पे हर लौटे हैं वहां पे विक्रम काफी तेज बढ़िया रनिंग मीटिंग का विकेट 2 रन से स्कोर आगे लय पकड़ता हुआ स्कोर बोर्ड 22 रन। कोटे का पहला योगेश और पारी के लिए 14 ओवर लेके आए उपस्थित है आपके और हमारे बीच में विराजमान है स्टेडियम नमन करते हैं इस ग्राउंड को और इन सभी भूमिदाता जितने भी है डाटी खेत के या इधर उधर जितने भी है गांव वाले उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे 33 से 34 टीमों ने प्रतिभाग किया क्रिकेट की टीम में बता रहा हूँ आपको। और इस बार फाइन जाता हुआ गेंद ओ बढ़िया क्षेत्र पर एक बार लगा क्योंकि आउटफील्ड बहुत तेज है वहां पे बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे फ्रंट फुट पर आके मारना चाह रहे थे ऊंचाई तो ठीक ठाक रखी मगर लंबाई में थोड़ा पीछे रह गए थे विक्रम और सतपाल असल पीसीसी बरात के बिल्कुल रेंज माने जाते हैं सतपाल भाई। ये लीजिए साहब ये लीजिए थोड़ा सा प्रयास देखना होगा दो खिलाड़ियों ने गेंद छोड़ा सतपाल भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। शुभकामना ढेर सारी आपको एक बड़ा जीवन दान जिसे कहा जाएगा उसी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन फिलहाल असल पीसीसी बरात लैप पकड़ता हुआ स्कोर बोर्ड सचिन चले बढ़िया गेंद बढ़िया फिलिप के राज दिल्ली मिड ऑफ है और देखना होगा खतरा राइट थ्रो आया देखना होगा गेंद सीमा पार कर गई 5 रन जोड़ दिए साहब तो 5 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ अभी कुछ नहीं पता भाई स्कोर बोर्ड भाई अब कोटे का अंतिम और पारी का छठा ओवर लेके आए योगेश सामने है बाएं हाथ के खप्पू बल्लेबाज सतपाल योगेश चले बढ़िया गेंद बढ़िया फिलिंग किया वहां पे पॉइंट के बीच में क्योंकि सारे खिलाड़ी सीमा योगेश चले छोटा सा उनका रन अप बढ़िया गेंद पैटर्न से गेंद जागरी रन लेना चाह रहे थे मगर मना किया और पकड़े गए इस बार बिल्कुल मिडिल पे पकड़े गए और वापसी भेज दिया चंद्र प्रकाश को तो बढ़िया गेंदबाजी योगेश द्वारा ज्यादा इंपैक्ट रहेगी वो बेहतर रहेगा ऐसा पीसीसी बरात के लिए। एक बार चले फिर इस बार किसी भी तरह गेंद को धकेला वो बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे बढ़िया गेंदबाजी के लिए स्कोर हल्का से 1 रन से आगे बढ़ता हुआ
41 रन स्कोर बोर्ड, जबकि छठा ओवर सातवां ओवर प्रगति पे 130 बता रहे हैं। ओ इस बार बढ़िया जीत की रहती हुई, किसी भी तरह अपने आप को बचाया गाइडलाइन से गेंद थर्ड में। शांत वातावरण, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। पंचम सिंह तैयार है, शॉट मारना चाहते थे, बढ़िया स्टेट राइस, एक रन से नहीं रोक पाए। छोटे कद के खिलाड़ी हैं, अनुभव गेंदबाजी का काफी उनके पास। बढ़िया वहां पे क्षेत्र रक्षण, बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे। क्या करेंगे रोहित का 52 रन स्कोर बोर्ड। रोहित चले सतपाल के लिए। ओ इस बार बढ़िया और बड़ा गोल, 4 रन, सुंदर चौका आता हुआ पॉइंट के बीच में से, इतना गजब का चौका निकाला सतपाल ने, पहले देखा और उसके बाद छोटी गेंद थी, छोटा शॉट खेला और ग्राउंड शॉट सीधा 4 रन के लिए फाइन लेग के नजदीक से। तो इन 4 रनों के साथ तेजी से स्कोर अब नए पकड़ता हुआ 56 गेंदे पहुंचाए वहां पे, गेंदों की डिमांड हो रही है। रोहित एक बार फिर चले पहले लाइन से थाना दुमा फूट के लिए, 8 ओवर लेके आए हैं रोहित, सामना कर रहे हैं सतपाल। ओ बढ़िया गेंद थी, जज नहीं कर पाए, टाइमिंग बढ़िया थी, मिस कर गए इस बार, नहीं तो एक बड़ा शॉट लग पाए का इशारा आता हुआ फिलहाल अंपायर द्वारा। इस 1 रन के साथ स्कोर हल्का सा और आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 57, हार देखने को मिल सकता है सभी दर्शकों को। रोहित चले बढ़िया गेंदबाजी, ओह इस बार चढ़ा है मगर ऑफसाइड में, सतपाल द्वारा और बढ़िया रनिंग मीटिंग दबी गई, 2 रन जुटाने में कोई दिक्कत नहीं आई दोनों बल्ले, बढ़िया प्रयास है सतपाल द्वारा। मैं पहले बता रहा हूँ कि टीम के रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है फिलहाल सतपाल भाई। ओ गगन चुंबी मगर ग्राउंड के अंदर लंबाई में पीछे रह गए इस बीच, बहुत सुंदर कैच और वापसी जाना पड़ा। पंचम गेंदबाजी में जिम्मेदारी है फिलहाल नहीं गेंदबाज, ओ बल्ले का भारी किनारा पड़ा गए बाबा मैंने का, हरमैन के खिलाड़ी आए और एक ही रन से संतुष्ट, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन होती हुई। ऊंचाई और कॉमेडी बॉक्स से दूर मार दिया आपने, बहुत ही बड़ा छक्का, इस तरह का टूर्नामेंट में पहला छक्का देखने को मिला, गगन चुंबी छक्का जिसे कहा जाएगा वो ये ऐसा। हवा का भी मजा लिया उस गेम ने और सीमा पार भी पहुंचा दी था। चले साहब एक बार फिर, ओ बल्ले का भारी किनारा भी चाहिए, रेड की हड्डी है सतपाल भाई, मैं पहले बता चुका था, एक बार चले वो बढ़िया गेंद दी रहती हुई इस बार और आगे निकल के आया पे खतरा ले लिया, बेमतलब में अपने आप और वापसी जाना पड़ेगा। रन लेना चाह रहे थे, मना किया था हरीश ने, आगे निकल चुके तेज शरार बनाए हुए हैं माँ हवा देवी में। फिलहाल चले, ओ इस बार कदमों का इस्तेमाल करा रोहित को मिलने वाली पहली सफलता इस ओवर में, संतोष दानी के रूप में कदमों का इस्तेमाल किया था और हैट्रिक जो पिछला ओवर घटा था उनका अंतिम गेंद पर विकेट प्राप्त किया था और उसके बाद अब जैसे दूसरे स्पेल लेके आए पहली गेंद पर और विकेट प्राप्त हुआ। इस बीच वहां पे स्क्वायर के ऊपर से बड़ा गैप है, रन लेने से नहीं रोक पाए वहां पे अंकित को, स्कोर हल्का सा आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड, कहना कुछ दिया संभव। फिलहाल दोनों टीमों के लिए शुभकामनाएं। ओ इस चीज दिल्ली में थोड़ा पीछे रह गए थे वहां पे, बढ़िया कैसा देखा पर दूसरा अंकुटा पा लेना ना, अरे इस वहां पे तैयार थे मगर मना किया इस बार, तो इस बार 85 पार कर सकता था स्कोर बोर्ड क्योंकि जज बढ़िया कर रहे थे, हर गेंदबाज को अच्छा खेल रहे थे और एक बड़ा प्रहार के लिए जाने जा रहे थे, बोल्ड आउट के रूप में हरीश को वापसी। तो बढ़िया ओवर समाप्त होता हुआ रोहित का, स्कोर रुक गया स्कोर बोर्ड में, 75 रन बनाने होंगे, 75 रनों की दरकरार, अच्छा बीसीसी बराबर ने निर्धारित अपने 10 ओवरों में 74 रन बनाए।